हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। तो गाइस, आज के दिन हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आपको अगर याद होगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक विलेज को एक्सप्लोर किया था ना, जिसका नाम था टाइगा विलेज। और उस विलेज में मैंने वो सर्वाइवल खेल रहा था मैं इस टाइम, लेकिन अभी मैं क्रिएटिव में खेलूँगा क्योंकि मुझे क्रिएटिव ज़्यादा बेटर लगता है रादर एंड सर्वाइवल। क्योंकि लेकिन सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा रहता है, खास करके इसमें उसमें अचीवमेंट्स भी एक्सप्लोर किए रहते हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वर्ल्ड में कैसे आ गया उस टाइगा विलेज से, बिकॉज दैट उस टाइम सर्वाइवल खेला था, जैसे मैंने वीडियो को एंड किया अचानक से माइनिंग करने के लिए वहाँ पर मैंने गया, तो अचानक से मैं स्ट्रेट डिगिंग करने गया, और जैसे मैं स्ट्रेट डिगिंग किया मेरे को बहुत सारे माउस मेरे पीछे पड़ गए, और मैं जैसे ही ऊपर आया उन लोगों ने पूरे विलेज को ब्रेक करके तबाह कर दिया और मुझे भी मार दिया। इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको करना और मैं अभी डायरेक्टली सीधे अपने दूसरे वर्ल्ड में खेल रहा हूँ। तो गाइस, फटाक से अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे अभी पानी में मैं जा रहा हूँ। अबे यार, उड़ फायर फ्लाइंग करूँ ना। अभी आपको अपने अपने ड्रेस दिखा के दिखाता हूँ। 3, 2, 1 भाई साहब, इट्स लाइक ब्लोइंग अप। यहाँ पूरा जल रहा है मेरा बॉडी, मजाक कर रहा हूँ, ड्रेस ही ऐसा है। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वाह, ये किसका घर था? ये मैं शायद घर में देखता था। चलो चलो, मैं यहाँ पे से एक्चुअली ये जो वो है ना, वो थोड़ा सा ख़तरनाक टाइप का है। ये नॉर्मल, ये नहीं ठल्ला है, इससे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हूँ सीधे कहीं और, ये दूसरा को नहीं है अभी मेरे को मारने आ जाएगा अगर मैं सर्वाइवल में से मारूँगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे सीधे यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या मिलता है। हाँ, यहाँ पे पिग्स विग्स हैं। तो आज सोच रहा हूँ मैं अपना एक घर बनाऊँ, मॉडर्न हाउस, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं कुछ कुछ ब्रेकिंग ब्रेकिंग करना पड़ेगा। अरे यार, इतना अच्छा ट्रिक तो है, सबसे अच्छा ट्रिक है वाटर से, वाटर एक वाटर बकेट से यहाँ पे पूरा का पूरा पानी पहले करेंगे ताकि सारा सब चीज़ टूट जाए, सब टूटेगा। देखो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा उड़ गिराता हूँ ताकि सब टूट जाए। देखो ये बहुत चौड़ा चौड़ा बन रहा है, हैं? मैं इसको पूरा भी फैला दूंगा, यहाँ से पूरा फैलाते तोड़ते तोड़ते यहाँ पे से हम लोग उसे तोड़ देते हैं, सब ये टूट के निकल जाएगा। ये निकल गया, अब मेरे को इतना सबको एक शॉट में थोड़ा बहुत निकालना है, इसलिए मैं वाटर बकेट 16 वाटर बकेट यहाँ से ले लेता हूँ। और जहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, जो थोड़ा सा हमको नीचे लगता है मेरे को जाना पड़ेगा। आइडिया, इस ब्लॉक से भी स्टार्ट कर सकता हूँ ना मैं। निकाल लिया मैंने, देखो यहाँ पे हल्का, देखो अब सूखा पड़ने जा रहा है। देखो यहाँ से जहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से खींचूँगा तो सीधे ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, एक इससे लेना पड़ेगा मेरे को इतना सफाई। अब यहाँ पे से एक ब्लॉक है, इस पर इससे लेना पड़ेगा, इतना दूर हो गया। अब यहाँ से एक ले लेता हूँ मैं, ये हो गया। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ ही है, अब मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ, ख़त्म। आज ये पूरा एरिया भी क्लीन और ड्रीम इंडिया टाइप का लग रहा है, उनको सही बता रहा हूँ। इसलिए मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा घूमता हूँ, और मैं अभी मेरे पास वाटर बकेट तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कितना स्मूथ लग रहा है। ये रहा मेरा सिंगल इन्वेंट्री और ये पूरा बुक, यहाँ से तो सिंपल क्राफ्टिंग चलेगा। चलो फटाक से कुछ एक घर बन दिए। बैरल है ना, ये बी आई है, सॉरी, ये स्मिथिंग टेबल, फ्लचिंग टेबल और कार्टोग्राफी टेबल, ठीक है। स्टिक है मेरे पास, अभी मैं कुछ नहीं मेरे को चाहिए। अब मैं सिंपली यहाँ से बंद करता हूँ। गाइस, कैसा मेरे को घर बनाना चाहिए मैं सर देखो। अबे यार, मेरे को पूरा एकदम अच्छा से बनाना है, तो ब्लॉक ग्रास ब्लॉक इधर ही रख लेता हूँ। ग्रास ब्लॉक एक ले लेता हूँ, एक ग्रास ब्लॉक यहाँ पे मेरे को आ गया। अरे यार, इन लोगों को यहाँ नहीं लगाना भाई, यहाँ नहीं लगाना। अब मैं इसको बजा दूँगा। अरे जाइडी छोड़े नहीं, मेरे को एक चाहिए, मैं अच्छा से घर बनाना सोचता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ब्लॉक ऑफ कार्ड्स नहीं लेना है, मैं कॉन्क्रीट यूज़ करूँगा, कॉन्क्रीट ज़्यादा अच्छा सुंदर लगता है, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ से कॉन्क्रीट लेता हूँ और मैं एक अच्छा एरिया में घर बनाने वाला हूँ। ये एक यहाँ पे, ब्लॉक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गलत ब्लॉक लग गया। हमें यहाँ पे 9वां ब्लॉक 10th 11th ब्लॉक हो गया, 11 ब्लॉक्स का ये हो गया। देखो इतना हो गया। अब मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अबे हटो यार,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 होगा, 16 होगा, अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं बाकी, मैं 10 तक ही सोचा था। अच्छा कोई बड़ा रूम नहीं है यहाँ से, मैं इसको अभी और खींचने वाला हूँ कि थोड़ा सा एरिया बढ़ा जाए। ये मैंने इतना ले लिया, ठीक है इतना ही चाहिए था। अब मैं वहाँ से भी इतना कितना अच्छा खासा उसके सेम हाइट पे लेके जाऊँगा ताकि मेरा सेम लेंथ हो और चारों ओर से हाइट एकदम सेम रहे। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं काम करने वाला हूँ, अगले एपिसोड में इसको आपको उसको फुल कंप्लीट करूँगा। अभी अच्छा खासा काम करेंगे हम लोग, अभी टाइम है। यहाँ से मैं इसको लगाता, अरे ऊपर नहीं लगना भाई, एक लग गया। अब इसको मेरे को सिंपली ऐसे करके ब्लेक कर देना, ब्लेक हो गया ये हमारा। अब इसको भी कवरिंग देखो, बहुत पास हो गया यार ये। अब वैसे हमें बस इसको आस पास लाना है। देखो एक, अब मैं एक ब्लॉक लगाऊंगा और यहाँ पे दो ब्लॉक और लगाऊंगा तो ये हो गया। अब मैं इसको रेस करूँगा, आई थिंक अब अक्रॉस 7 ब्लॉक से अच्छा लगेगा। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मैं ये नीचे से भी वही काम करने वाला हूँ, नहीं ऐसे नहीं, मैं घर कॉर्नर को 7 ब्लॉक सबसे पहले ऊपर कर लेता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है 4, 5, 6, 7। देन एक चाहिए ये वाला नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो हमारा 3 ब्लॉक का हाइटिंग चला गया है गाइस। अभी मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 का हर, नहीं ये छोटा नहीं लग रहा मेरे को, देखो ये छोटा रख गया। अरे यार तू ब्रेक कर जा, तुम ब्रेक कर जा, हट जा तू। अच्छा मैं इसको बाद में हटाऊँगा। देखो अब थोड़ा सा सेम शैडो लग रहे हैं। अब मैं इसको सिंपली ऐसे अटैच कर दूँ ना, 14, 7 और लगाऊँगा अच्छा देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 ब्लॉक्स का हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेम हो गया। अब इसको लास्ट ब्लॉक को जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं इसे सिंपली ऐसे अटैच कर देता हूँ एक दूसरे से। मैं थोड़ा सा इसको, ये 4 फुल ब्लॉक्स का हो गया ना। अब मैं इसमें 17 उसे एक 7 ब्लॉक पे एक फ्लोर बना लेता हूँ। उस 7 ब्लॉक के लिए मेरे को ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। ये वन ब्लॉक हो गया, 2, 3, 4, 5, अरे फिर से गिनना पड़ेगा यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। एक फ्लोर यहाँ से जाएगा दूसरा फ्लोर, इसको पहले मैं रेस कर देता हूँ एक साइड से दूसरे साइड तक। यहाँ इसको लेके जाता हूँ मैं इसको, वाह मैं पीछे ही पहुँच गया। देखो ये एक फ्लोर का हाइट हो गया। अब मैं इस साइड में तो थोड़ा सा चेंजिंग लूँगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये साइड हुआ थोड़ा सा अलग टाइप का हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ, दो लगाऊंगा, 3, 4 ब्लॉक मैंने यहाँ से एक्वायर कर लिया हायर। ये मैं इतना ले हाइट ले लिया मैंने, ये हो गया इतना। अब यहाँ से मैं एक, अब मैं थोड़ा सा ब्लैक कंक्रीट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को डायरेक्ट यहाँ से अभी मैं चले गई तो ग्रे, ये रहा मेरा ब्लैक कंक्रीट, ठीक है। अब जैसे मैं ब्लॉक कंक्रीट यहाँ से रिजर्व करूँगा ब्ले, इसको मेरे सबसे पहले मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये 3 ब्लॉक्स का हाइट पे ये अच्छा से जाएगा, देख रहे हो भाई साहब, 17 से हल्का सा ऊपर जाएगा क्योंकि इसका ये छत टाइप का रहेगा, हल्का सा इतना ही हाइट पे रहेगा ये। उनको जाते नीचे, मेरे को जैसे नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, हल्का सा और चलो। ये जॉइंट मैंने इसको ऐसे जॉइन कर दिया, 3 ब्लॉक्स का हो गया। ये लेके मैं सिंपली ऐसे चल जाऊँगा, ऐसे चल जाता हूँ इसको ऐसे, यहाँ से रेजर मैंने कर दिया। ओके ये मेरा चल गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा कुछ बनाऊँगा, अभी मैं इसको कुछ नहीं करने वाला हूँ,
अब मैं इसको यहाँ से एक एक ब्लॉक और लेके जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ से मैं वेदर नहीं टाइम में जाना है भाई, फिर से वेदर नहीं टाइम में जाना है। इट्स टाइम से डे, एक ब्लॉक दो ब्लॉक और तीन ब्लॉक, ये हो गया। अब मैं सीधे यहाँ से थोड़ा सा और करता हूँ, एक दो तीन लग गए यहाँ पे कुछ। ये अच्छा अभी को बताते हैं डैडी से, बिन पूछा सारा गेम खेलते हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डैडी से पूछ के। हाँ तो मम्मी को तुम दो बार खेल चुके हो ना। हाँ ये मैं इधर कर रहा हूँ, मैं हाँ मैं इधर इसे ज्वाइन करता हूँ, ये मैं इसे ऐसे करके ज्वाइन कर, मैं इसको अच्छा खासा हेड पॉइंट लेके जाने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ पर ऐसे लेके चल जाता हूँ, ठीक है। ये 3-3 ब्लॉक्स का रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे 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 करके बस ऐसे इसको कंटिन्यू आगे 3-3 ब्लॉक तक लेके जाना है। और भी थोड़ा सा कुछ कुछ हाइट पे थोड़ा थोड़ा लेके जाना, देखो पाँच बदम पास, ये सेकंड हो गया, ये लास्ट इस साइड का वन ये लेके जा चल रहा था, ये मेरा 3 हो गया, ठीक है भाई। मेरा क्या है टेक्स्चर ये लग रहा है अच्छा है, 1 फ्लोर हो गया है उसका। अब मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से डायरेक्ट नीचे लेके जाने वाला हूँ, मैं कुछ यहाँ पे नहीं ऐड करूँगा, ये हो गया। अरे ब्लैक कॉन्क्रीट एकदम ब्लैक कलर कितना नहीं लगता है आपको गाइस, कुछ बिगड़ गया है यहाँ पे, बिगड़ा क्या है भाई, ये तो पूरा काला टाइप का है। नहीं ये ठीक है, हाँ वहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम हुआ है, नहीं यहाँ भी ठीक ठाक ही है। ये यहाँ पे इधर लगा के नहीं सही है, ये सही है, प्लेन हो गया। अब यहाँ से सीधे लेते हैं नीचे, यहाँ से इसको भी नीचे ऐसे ऐसे लेना है, नीचे लेके जाना है। अरे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन गया है, ऐसे इसको नीचे लेके जाना है, हल्का सा और नीचे लेके जाना है इसे, और यहाँ पर इतना हो गया। बाकी लगता है इस वीडियो में हमारा ये जो जो स्ट्रक्चर होगा वो तो 100% कंप्लीट होने ही वाला है। अभी मेरे को उसको भी लेके आना है, मेरा इतना ही में नहीं ख़त्म हो जाने वाला है। मैं आगे भी आगे नहीं लग रहा है थोड़ा सा, अच्छा ठीक है ये बढ़ दूंगा मैं, देखो वो वहाँ से छुड़ा ये आगे बढ़ गया है, अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यहाँ पर हल्का सा चलता है एक ब्लॉक, अब इसको मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट पूरा कवर करने वाला हूँ, ऐसे इसको पूरा फल्ली लेके आना है हम लोग को यहाँ से सीधे ऊपर, इतना हाइट गेन करवा देना है इसको, ठीक है। एक अरे गलत बन गया भाई, एक दो तीन और 4। अब मेरे को इसको नीचे लेके जाना है, तो सोच रहा हूँ भाई इस कैसे होगा, इसको नीचे लेके जाना बहुत रिस्की टाइप का गेम है, एक्चुअली कुछ रिस्की नहीं है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बस ऐड करते जाना है, हल्का सा और नीचे लेके जाके यहाँ से ऐसे खींच देना है। अरे गलत तो ब्लॉक का टकल टूट गया, देखो मैं इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ब्लैक कर देता हूँ, मैं ऐसे ऐसे अब हल्का सा और लेके जाऊँगा। ये देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गाइस इतना। अब यहाँ पे 1 ब्लॉक पे हमको और ऊंचाई तक इसके लेके जाना ही है, अच्छा खासा अब मेरा लग ही नहीं रहा, और इतना इतना पे तो आराम से लग जाएगा। देखिए गाइस ये हमारा हो गया, अब यार यहाँ से तो कुछ दिख भी नहीं रहा। एक काम करता हूँ टेम्परेली यहाँ पे एक वो लगा देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत लाइट से इसको पता चले कि मेरा कैसा बन रहा है। यार ये ब्लैक कौन कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इसको इतना काला रंग ही का है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखो तो ये मैं इसे फाइनली ऐसे कंप्लीट ऐसे कर देता हूँ, चारों ओर बस ब्लैक कलर ही लगा हुआ है। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे सी लैंटर्न लगाता हूँ तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि लाइट यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चाहिए ही चाहिए। यार ये तो इतना काला है कि कुछ लिया दे, ये देखो गाइस मैं अभी तक इतना सही ये बेकार का कर रहा था, ये देखो मैंने ब्लॉक ही गलत तोड़ दिया। ओहो तो यही प्रॉब्लम था इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा, तो यहाँ से मेरा प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गया। मेरे को एरिया दिखा था यहाँ से, तो यानी कि अभी मेरा एक ब्लॉक बेकार का बना हुआ है,
देखिए तो ये आई थिंक फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब मैं इसको सिंपली ऐसे फिलिंग अप कर लेता हूँ और नीचे मैं यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं सिंपली वाइट कंक्रीट ले लेता हूँ। तो गाइज अभी तक मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको पूरा रेज कर दिया, यहाँ से ये सब बना दिया। अब मेरे को कुछ कुछ और काम करना है। अब मैं यहाँ पे ग्लास लगा लेता हूँ कुछ कुछ जो मेरे को मेरे फेवरेट ग्लासेस हैं, यानी कि ब्लैक स्टेंड ग्लास जो कि एक मॉडर्न हाउस भी ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं सिंपली इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये हो गया इतना और ये कंप्लीट इतना हो गया। ऐसे ये दो ब्लॉक्स हो गए, ये भी दो ब्लॉक्स हो गए। आज ये इतना तो मेरा कंप्लीट। आह यार ये मेरा अब फिर से वही हाल है। अब मैं इसको फिर से यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ फास्ट वर्क फास्ट कभी कभी करता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी चलता है। सिंपली मैं यहाँ से अभी टाइम करके डे कर टाइम से डे कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो मेरा छोटा सा स्विमिंग पूल होगा। अब ये ग्लास करूँगी, ग्लास हो गया। अब मैं यहाँ से ये फ्लोर बिल्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये ही मेरा ये सेकंड ये फर्स्ट फ्लोर का बेस है। हाँ भाई थोड़ा सा हल्का सा बच्चे बच्चे भी चलाना रहता है। देखो अब ये हो गया, अब इसे से ऐसे जोड़ते चल जाना है मेरे को। यहाँ पे से ऐसे मैं कर देता हूँ। तो गाइज अभी मैंने इतना फ्लोर बिल्ड कर दिया है। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इतना काम कर लिया है। अब मैं सीधे अपने बाकी कामों के बाकी वर्क को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अभी सीधे मैं यहाँ से आगे बढ़ा। गाइज अगर यहाँ पे आप में ऐसे इतना मैंने दिखाई दिया था, अब मैं इस पर ये सेकंड यानी कि इसका जो ये रूफ़ है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अरे नीचे नहीं रखना था, यहाँ पे ये ठीक है, इसे ऊपर से बिल्ड करते चल जाना है, हल्का सा नीचे और पीछे और फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 लेके जाना है, ऐसे ऐसे लेके जाना है। ये हो गया ऐसा। अब ये गाइस इतना मैंने अभी मैं आपको बोलने के लिए पॉज कर। तो गाइस अभी मैंने इतना काम कर लिया, ये मैंने अभी इसका छत भी बना दिया है। यहाँ पे एक दो ब्लॉक्स बाकी हैं, इसलिए मैं इसको वापस अभी ब्लैक कंक्रीट से यहाँ से ऐसे फिलअप कर देने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बनने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड में जब ये इसका एक्सटीरियर देखेंगे, लेकिन अगले पार्ट में मैं इसका आपको इंटीरियर फुल्ली कंप्लीटेड इंटीरियर आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत तगड़ा लगने वाला है। बड़े खोजावटी है। ये हो गया, मैं इसको सिंपली ऐसे करके यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट एक घर पर ज़्यादा यहाँ पर ऐसे चलने वाला होगा मेरे लिए। गाइस अभी मैंने इतना तो कंप्लीट कर दिया, ये ऊपर का काम मैं बाद में करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अब इसका इसको आपको ऐसा फुल्ली कंप्लीटेड बताऊँगा कि मैंने अभी इसका बेस नहीं बिल्ड किया है। इसलिए तब तक के लिए बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।